INS24 की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटा बजाएं ताकि हमारा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारी INS टीम पहुंची है डॉक्टर आशुतोष शरण के नर्सिंग होम में, शरण नर्सिंग होम में, जहां COVID-19 की वैक्सीन दी जा रही है। इस जगह पे हमारे शहर के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर US पाठक जी अभी पहुंचे हुए हैं और उनको भी वैक्सीन लग गई। मैं जानना चाहूँगा कि वैक्सीन लेने के बाद कैसा एहसास हुआ, कुछ फीलिंग हो रही कि नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे हम अपने डॉक्टर साहब से। सर, हाँ, मुझे तो कोई फीलिंग नहीं हो रही है, जैसे पहले था वैसे अभी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लग रहा है। बल्कि ये हमने कोविड का वैक्सीन ले लिया है। अच्छा, समाज को इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे, लोग आएँ और बढ़ चढ़ के इसमें भाग लें? हम तो यही कहेंगे कि सबको लेना चाहिए और इससे तो कोई हमको असर कुछ खराब लग नहीं रहा है और अभी तक कोई कुछ इस तरह का रिपोर्ट भी नहीं मिला है, तो सबको लेना चाहिए ताकि सब लोग सुरक्षित हो सकें समाज में। ये समाज में जैसे बहुत सारे लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि टीका नहीं लेना चाहिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस पर लोग नहीं आ पा रहे हैं, इस पर आप लोगों का क्या संदेश देना चाहेंगे कि नहीं हुआएं आगे चल के, ये नहीं लेने पर क्या परेशानियां हो सकती है, इस पर सरकार का? टीका जरूर लेना चाहिए, वैसे हर टीके से, हर बीमारी का जो भी टीका है उससे कुछ कुछ साइड इफेक्ट बहुत रेयर केसेज में देखने को मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टीका लिया ही नहीं जाए, टीका लेना चाहिए। और अभी तक तो कोई सुनने में नहीं आया है इस टीके से कुछ किसी तरह का साइड इफेक्ट, तो हमारा तो हम तो लोगों को ये संदेश देंगे कि भाई आप लोग टीका लीजिए और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा विश्वास है कि किसी को कुछ नहीं। और मैं यहाँ आया तो एक बात मुझे जानकारी भी मिली कि रजिस्ट्रेशन आपका हुआ है और मैडम का नहीं हो पाया है, तो इस पर आप अफसोस जाहिर कर रहे हैं कि काश अगर हो गया होता तो उनका भी टीका पड़ जाता। लेकिन यहाँ लिस्ट पड़ी हुई है 100 आदमी की लगभग, लेकिन 100 आदमी में महज 5 से 6 आदमी ही आकर के टीका ले पाए हैं और लोग आ ही नहीं रहे हैं। और आप एक डॉक्टर फैमिली के होकर के आप चिंता में पड़े हुए हैं कि मेरे परिवार का क्यों नहीं हुआ ताकि हम लोग ले पाए। इसे लोगों को तो समझना चाहिए कि जब आप लोग इतना उत्साहित हैं तो निश्चित तौर पर ये बेहतर चीज़ है और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लेना चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल, मुझे तो बहुत अफसोस है कि उनका नाम हम लोग इंटर नहीं करा पाए, क्योंकि कोरोना वायरस का ही नाम देना था, तो हमने पता किया कि भाई उन लोगों का ये कब होगा रजिस्ट्रेशन, और हम चाहते हैं कि जैसे दूसरी बार रजिस्ट्रेशन हो तुरंत उनका नाम हम इंटर कराएँ। और हालांकि वो भी तैयार थी कि हम भी साथ चलते हैं, तो हमने उनको रोका कि नहीं भाई अभी जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है उसी का पढ़ने वाला है, हम पता भी किए थे यहाँ पर, तो कहे कि नहीं जिनका नंबर, तो फिर हम लोग उनको रोक के आए हैं कि बाद में। अच्छा, ये कोरोना काल जब से शुरू हुई है सर, लोगों में तो अवेयरनेस तो है ही, पर कैसे रख रखाव, कैसे रहना है, कैसे साफ सुथरा रहना है, इस पर समाज लग रहा है कि कुछ एक्टिव जरूर हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, समाज एक्टिव हुआ है और बहुत से देहात के लोग भी जो हमारे हम लोग के पास आ रहे हैं, तो मास्क का नाम कहते ही उनको मुंह ढकना शुरू कर देते हैं, जो मास्क नहीं पहनते वो भी बहुत देहाती औरतें भी आती हैं, तो इतना तो जान गई है कि मास्क पहनना चाहिए। जो लोग नहीं भी पहनते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि मास्क, तो फट से किसी कपड़े से ही अपना मुंह ढक लेती है, तो अवेयरनेस तो हुआ है, सफाई में भी हुआ है, और ये तो लोग समझ गए हैं कि बिना मास्क का कीटाणु जो है रोगाणु एक दूसरे से जाता है, इसलिए इतना तो समझ आ गया, इसलिए थोड़ा सा मास्क। आज के डेट में सर, सदर हॉस्पिटल में पहले बहुत सारी भीड़ें थी, भीड़ होने पेशेंटों का जमावड़ा लगा रहता था, लेकिन इधर हम लोग देख रहे हैं कि एकदम खाली है, कोई OPD में कोई भीड़ नहीं है। ऐसे बाहर में तो प्रैक्टिस आप लोग भी करते हैं, तो पेशेंटों का जो गिराव है इस पर निश्चित तौर पर ये जाहिर करता है कि साफ सुथरे लोग रह रहे हैं जिसके कारण बीमारी भी कम है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका असर हुआ है, हाँ, बहुत से लोग हाथ धोकर ही हम देख रहे हैं खाना खा रहे हैं या सफाई रख रहे हैं, इसका असर हुआ है।
पहले की अपेक्षा पेशेंट में भी बहुत गिरावट है कि बहुत मरीज कम भी है? मरीज तो कम ही है, मरीज तो कम है, लेकिन जो भी मरीज आते हैं, जिस तरह पहले आते थे बहुत गंदे तरह से कुछ लोग रहते थे, अब वैसी बात देखने को नहीं मिल रही। चलिए, ये है कि सफाई समाज में कुछ साफ सुथरा लोगों के मन में ये भावना आई है कि साफ सुथरा रहने से बीमारी नहीं फैलती। ऐसे ही लोग रहे तो निश्चित तौर पे हमारा समाज आगे बढ़ जाएगा। बिल्कुल। और ये सब कुछ, अभी हॉस्पिटल में भी दवा कम लगेंगे, खर्च भी कम होंगे, तो केवल ड्यूटी अगर बचना है तो सर सफाई और मास्क। ऐसा नहीं है कि अगर टीका सर पड़ गया तो उनको मास्क नहीं पहने कोरोना नहीं होगा, ऐसा तो कुछ नहीं। ना, ऐसी बात नहीं है जी। परहेज तो रखना ही चाहिए जी। सुरक्षा के ख्याल से मास्क पहने ऐसे भी पहनना चाहिए जी। खैर, आजकल तो ये कोरोना का बहुत ये हल्ला गुल्ला हो रहा है, लेकिन नहीं रहे फिर भी एक आदत डाल लेनी चाहिए लोगों को कि हमेशा मास्क पहन के घर से बाहर नहीं। लेकिन सर का कहना है कि टीका पड़ भी जाए फिर भी आपको दूरी बना के रखना और मास्क पहनते रहना है, नहीं तो ऐसा कुछ। हाँ बिल्कुल, मास्क पहनना ही चाहिए, केवल कोरोना वाला ही नहीं, मतलब कि बहुत सी बीमारी है जो कि बात करने से एक दूसरे को पड़ती है, तो मास्क लगाने से इतना तो फायदा होगा कि बहुत से बीमारियों से बचाव हो जाएगा। इस कोरोना के टीका लेने के लिए समाज में जैसे आप लोग इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, वैसे ही समाज सेवकों को भी समाज में बढ़ चढ़ के लोगों को अवेयरनेस के लिए प्रचार प्रसार इसी भी करना चाहिए कि वह आके टीका भी लें, इस पर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, समाज लोगों को समझाना चाहिए, जो भी समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं उन लोगों को चाहिए कि गांव में जाकर जो अनपढ़ लोग हैं उनको ये शिक्षा दें, समझाएं कि टीका जरूर लगवा लें और इससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने INS 24 को अपने इंटरव्यू इतना बेहतर दिया और समाज को बताने का प्रयास किया कि टीका लेना ही होगा और लेना चाहिए, नहीं लीजिएगा बाद में समस्या हो सकती है। टीका लेने के बाद भी आपको निश्चित तौर पर मास्क भी पहनना है, ऐसा नहीं कि टीका ले लिए तो मास्क मत पहनिए, ऐसा नहीं है, मास्क भी पहनना है और दूरी भी बना के रखना है जब तक कि सब कोई टीका ले नहीं ले। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी।